हैंड राइटिंग यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म से मैं अरसलान शफीक आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आपको एक हैरान कन चीज दिखाएंगे। मैंने दुराने टेस्ट दिल किया कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। बहुत ज्यादा कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर हम आराम से लिखें तो बहुत अच्छा लिखा जाता है, लेकिन जब हम टेस्ट में लिखते हैं तो हमें स्पीड के साथ लिखना होता है तो फिर हमसे फिर गंदा ही लिखा जाता है। तो वाकई ही में ये एक जेन्युइन इशू है। तो सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं और उसके बाद मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर करूं। हां जी मैं आहिल बेटे, दिखाइएगा पीछे से अपना काम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा पिछला पेज, वेरी नाइस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी राइटिंग है, ये चेक कीजिए, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। हाँ जी आमना बेटा, खोलिए बेटा पीछे से पिछला पेज आपका। ये एक ही क्लास की आपको राइटिंग दिखा रहा हूँ, टेंथ क्लास की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी में पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये टेंथ क्लास की राइटिंग है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कौन सा लिख रहे हैं आज? ऐसे कायदे आज़म। कायदे आज़म दिखाएं ज़रा पीछे से, शाबाश, वेरी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी क्या नाम आपका? मदीहा। मदीहा बेटे पीछे से दिखाइएगा काम अपना। ये देखे जी माशाल्लाह, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे इनकी लग रही थी। ये देखे काम, ये काम है वाकई ही में बहुत अच्छा लिखा बेटे, शाबाश, गुड। हाँ जी बेटा तैयबा, ऐसे लिख रहे हैं जी? खोले नेक्स्ट पेज, माशाल्लाह वेरी नाइस, टेंथ क्लास, गुड। जी बेटा ईमान, टेस्ट लिख रहे हैं बेटा जी। अगला पेज, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ जी बेटा हिंसा, हो गया, कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया, सिर्फ एक पैर। पीछे से दिखाइएगा फर्स्ट पेज, ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। हाँ जी बेटा फारिहा, कितना हो गया बेटे? हाफ हो गया। ठीक है माशाल्लाह, नेक्स्ट पेज बेटा, वाओ, स्ट्रेटिंग की बहुत अच्छी है, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लिखा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दिखाएं जरा अपना जो पिछला टेस्ट किया, जो कितना कहां तक पहुंचे हैं आप बेटा? जी ये देखिए जी, माशाल्लाह वेरी नाइस। जी डियर व्यूअर्स, तो ये वीडियो आपने देखी है, ये लोग कैसे अच्छा लिख पा रहे हैं? बेसिकली उनको मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि 8-8, 9-9 रजिस्टर एक एक बच्ची ने भर दिए हैं। तो जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा लिखते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूं। जैसा आप दाएं हाथ से लिख सकते हैं, क्या वैसा आप बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं? यकीनन नहीं। और जो बाएं हाथ से, जो लेफ्टी हैं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, वो राइट हैंड से वैसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनका राइट हैंड पे ग्रिप है, लेकिन जिन्होंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की उनकी लेफ्ट हैंड पे ग्रिप है, वो राइट से नहीं लिख सकते, वो लेफ्ट से नहीं लिख सकते। तो वजह क्या है? ना राइट आगे होता है ना लेफ्ट आगे होता है, आगे वो होता है जो प्रैक्टिस वाला होता है, जिसमें प्रैक्टिस होती है वो आगे आ रहा होता है, बेसिकली उसी को बार बार यूज किया जा रहा होता है। तो याद रखिएगा, आप भी अपने हैंड को अगर गोल्डन हैंड और अपनी राइटिंग को सुपर हैंड राइटिंग बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही राज है जो कि फारसी के इस शेर में छुपा हुआ है, गर तुम्मी ख्वाही के पाशी खुश नवीस मी नवीस व मी नवीस व मी नवीस। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो जाए तो फिर लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें। अल्लाह ताला आप सबको बड़ी कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।